नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पे, और मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में किसी भी तरह के टैलेंट की कमी नहीं है, तरह तरह के टैलेंट यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और अब एक ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश से सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि क्या सच में वाकई ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी लड़की काशवी की, जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। और अब हाई कोर्ट ने भी काशवी को ये इजाज़त दे दी है कि वह 8वीं की परीक्षा दे सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काशवी की उम्र क्या है? जी हाँ, काशवी 3री कक्षा में पढ़ती है। और अब याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि काशवी 3री क्लास में तो पढ़ेगी ही, लेकिन वह 8वीं कक्षा के जो एग्ज़ाम है वो भी दे। और इसकी रोज़ाना जो रिपोर्ट है, किस तरह से उतार हो रहा है या फिर चढ़ाव हो रहा है, ये सब कोर्ट में भी दाखिल हो। आपको बता दें कि काशवी के पिता संतोष ने पिछले साल भी एक याचिका दायर की थी, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद 16 अक्टूबर 2021 को टेस्ट करवाया गया, काशवी का आईक्यू टेस्ट करवाया गया, और जिसमें काशवी के आईक्यू का अंक जो है वो 154 आया, जिसके बाद ये देखा गया कि एक बार फिर से काशवी के चलते ही, काशवी के नाम से ही याचिका जो है वो दायर करवाई गई। जिसके बाद अदालत ने भी ये देखा कि कितनी कम उम्र की बच्ची में इतना ज्ञान है, इतना आईक्यू है, तो क्यों ना इसे बढ़ावा दिया जाए, जिसके बाद ही उन्होंने ये फैसला सुनाया है। और अगर काशवी इस 8वीं कक्षा के जो एग्ज़ाम है इनमें पास हो जाती है तो यकीनन इसकी जो प्रगति है वो काफ़ी तेज़ है, जिसे कोर्ट भी देखेगा और यकीनन 28 अप्रैल को कोई बड़ा फैसला जरूर सुनाएगा। इसकी आगामी सुनवाई 28 अप्रैल को होनी है, तो इससे जुड़ी कोई भी अपडेट्स होंगी तो हम आपको ज़रूर रूबरू करवाएंगे। अभी के वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।